अभिदित मेघा। तो आज मैं अपनी रेसिपी में आपको बताऊंगी कि आलू बेसन भल्ले कैसे बना जाती हैं। तो आलू बेसन भल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक प्याज जो कि मैंने काट के रखा है यहाँ पे, दूसरा है ये सूखा धनिया, तीसरा सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, फिर है धनिया ग्रीन जैसे आप देख सकते हैं मैंने पत्तियाँ जो है काट ली हैं, और ये जीरा, काली मिर्ची, लाल मिर्ची और ये ऑरिगेनो। उसके बाद है मेरे पास 2 कप बेसन, तो और ये है कुछ। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉयल्ड आलू जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ले लिए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आलू और बेसन लीजिएगा। और वैसे मैंने ये 2 या 3 लोगों के लिए हिसाब से लिया है, तो इसमें 2 या 3 लोगों के हिसाब से ही बनेंगे। और आपको जिसके मतलब आपको 5 लोगों के लिए बनाना तो आप 5 लोगों के हिसाब से आलू और बेसन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो आलू है इसे छीलेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आलू छील लिए हैं। तो अब आप हम इसे मैशर से इसे फोड़ लेंगे, आप चाहे तो इसे हाथ से भी फोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू मैश कर लिए हैं। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक लेंगे हम, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जितना मैंने लिया था, अब हम इसमें धनिया डालेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भरता बना लिया है, तो अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी ऑरिगेनो। तो अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम इसका घोल बनाएंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट जो कि मैंने थोड़ा आधा चम्मच ले लिया है, उसके बाद में डालूंगी इसमें जीरा, जीरा आप चाहे तो मैंने 1 चम्मच लिया है, और इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने घोल बना लिया, तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की से चाहिए, और घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसे साइड में कर देंगे, और हम अपना ये जो हमने अब जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है उसके हम छोटे 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 बॉल्स बना लेंगे। मैंने इतनी बड़ी बॉल बनाई है, इसी तरीके से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बनाया जल्दी जल्दी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो अब हमने इसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। कि आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम ये जो हमारे स्टफिंग रोल है इन्हें हम बैटर में डालकर डिप करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिया आलू और इसको हमने बैटर में अब हम इसमें डाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने इसमें डाल दिए हैं रोल्स, और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमने डाला उसे थोड़ा थोड़ा हम बदल दे मतलब पलट देते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ से ब्राउन हो गया है, तो मैंने इन्हें पलट दिया है, और अभी हम इन्हें थोड़ा सा हल्का और ब्राउन होने देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ब्राउन हो गए, तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भल्ले तैयार हो चुके हैं और इसे आप चाय के साथ, सॉस के साथ और किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।
जल्द ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय।